بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم कौन बच्चा है जिसका निकाह है बेटा टोपी कहाँ गई टोपी दो इनको और सारे दोस्त इनके बगैर टोपी के आ गए दो टोपी एक दूसरे टोपी पहनना तो इज्जत की अलामत है ना कि बेइज्जती है और अल्लाह के घर में किसी सिख के गुरुद्वारे में जाओ मजाल है कोई बगैर टोपी के बगैर सर छुपाए अंदर चला जाए जो हक पर हैं वो बगैर टोपी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बाजार में बगैर टोपी के नहीं गए हम अल्लाह के दरबार में बगैर टोपी के आते हैं हम अगर अल्लाह के घर का अदब एहतराम नहीं करेंगे तो क्या गैर करेंगे जब हम बगैर टोपी के आएंगे तो वो तो जूतों के साथ आएंगे इसलिए इस चीज़ को समझें इसको इंसल्ट ना समझें अपनी ये हमारी तालीम है ये हमारी तरबियत है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की बेहतरीन तरबियत फरमाई और उन्होंने हमें सिखाया समझाया क्या चीज़ हमें पहनना है किस तरह पहनना है क्या चीज़ खाना है किस तरह खाना है क्या चीज़ पीना है किस तरह पीना है ज़िंदगी कैसे गुजारनी है पैदा दुनिया में किस तरह होना मरना इस दुनिया से कैसे यानी सफ़र आखिरत हो तो सफ़र आखिरत पर रवाना कैसे हो जब दुनिया में किसी बच्चे की विलादत हो तो उसकी विलादत का अंदाज़ क्या हो ये प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी प्यारी तालीमात हैं गोया ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं छोड़ा ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं छोड़ा जिसके बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइलेंट रहे हों कि जो चाहे तुम करना नहीं हर चीज़ का एक तरीक़ा बताया हर चीज़ का एक सलीका बताया कि हर काम को अंजाम देने का ये तरीक़ा है लिहाजा हदीस मुबारक वो तो है ही जो महबूब ने अपनी ज़ुबान से कुछ फरमाया लेकिन जिस अमल को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उस पर खामोश रहे वो भी हदीस है और वो हदीस इसलिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर साइलेंट रहे कुछ बोले नहीं इसका मतलब ये कि वो जायज़ है अगर नाजायज़ होता तो ज़रूर बोलते तो ये भी हदीस की एक किस्म है इसको तकरीर कहते हैं बहरहाल ये निकाह की महफिल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की ज़िंदगी में एक मरहला ऐसा रखा है एक दिन वो होता है जब बच्चा पैदा होता है घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं फिर एक दिन वो होता है जब बच्चा बच्ची बालिग होते हैं तो फिर उनका निकाह किया जाता है अगर ये निकाह का हुक्म अल्लाह ना देते तो कोई बाप अपनी बेटी को एक रात के लिए भी अपने घर से जुदा ना करता ये अल्लाह का हुक्म है कि पालो पोसो परवरिश करो और फिर उसका हाथ किसी के हाथ में पकड़ा दो ये अल्लाह का हुक्म है ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये दुनिया इसी तरह से आगे बढ़ी है बहरहाल ये निकाह है एक बच्चे का एक बच्ची के साथ एक बाप का बेटा है एक बाप की बेटी है और दोनों के लिए ये दिन बहुत बाबरकत है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के अंदर क्या सिफात होनी चाहिए उसको बयान फरमाया कि एक मोमिन सादिक हो सच्चा हो अमीन हो अमानतदार हो जी उसके अखलाक बुलंद हो खंदा पेशानी हो वो हर वक्त जला भुना ना रहे जी डांट डपट करने वाला लड़ने झगड़ने वाला ना हो उसके अखलाक बहुत अच्छे हों खंदा पेशानी के साथ मिलने वाला हो इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैरिज लाइफ कैसी होनी चाहिए प्रैक्टिकली तौर पर हमें महबूब ने बताया कि घर में दाखिल हो तो खंदा पेशानी के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सलाम करो ताकि घर वालों को एहसास हो हमारी इज्जतों को महाफिज हमारा सरताज हमारी मोहब्बतों की मेराज आ गया है यहाँ तक कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोहब्बत करने का तरीका भी सिखाया माईशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सेकंड नाम रखा था मोहब्बत में वो था हुमैरा जिसका तर्जुमा गुजराती में होता है लाल गोरी इंग्लिश में जिसका तर्जुमा होता है पिंकी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माईशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मोहब्बत में इस तरह पुकारते थे मालूम हुआ बीवी का अगर कोई ऐसा प्यारा नाम रख दिया जाए जिसको सुनकर उसका दिल खुश हो ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है
तो महबूब ने हमें क्या तरीका नहीं सिखाया? हर चीज़ तो पेशाब करने का तरीका, इस्तंजा करने का तरीका, सोने उठने बैठने जागने का तरीका, खाने पीने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, हर तरीके हमें बताएं, लेकिन हम जलील हुए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़कर। हम इज्जतें ढूंढ रहे हैं कुफ्फार और मुशरिकीन के तरीक़ों में, हम उन तरीक़ों में इज्जत ढूंढते फिर रहे हैं, हालांकि उनके तरीक़ों में इज्जत नहीं है, उसमें तो ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। इज्जत और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीक़ों के अंदर उनको अपनाने में इज्जत है, उनको अपनाने में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करने में इज्जत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले, दौर से पहले औरतों के बारे में लोगों के अंदर बहुत इफरात और तफरीत थी। बाज़ लोगों ने औरतों को इतना चढ़ाया इतना चढ़ाया इतना चढ़ाया कि उनकी मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी, और बाज़ लोगों ने औरतों को इतना गिराया कि पैर की चप्पल समझ ली उनको। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को एक दर्जा दिया। फिर औरत की तीन हैसियतें, एक बेटी की हैसियत है, एक बीवी की हैसियत है, एक माँ की हैसियत। अगर बेटी है तो बेटी के साथ में किस तरह का बर्ताव किया जाए, उसकी तरबियत कैसे की जाए, उसके अंदर क्या क्या सिफात उसको सिखाई जाएँ, उसके लिए अलग से एक चैप्टर है। अगर औरत बीवी है तो बीवी के साथ में किस तरह का बिहेव किया जाए, किस तरह का सलूक किया जाए, इसको बाईं पसली से पैदा किया, इसको सीने से लगा के रखा जाए, ना पैर की हड्डी से पैदा किया कि जूती जब बनाएं, न सर की हड्डी से पैदा किया कि सर पे बिठाएं। औरत की हैसियत से इसके दर्जात अलग हैं। और अगर ये माँ है तो इसके कदमों में जन्नत रख दी कि इसकी खिदमत करो, इसका अदब एहतराम करो, इसका दिल खुश करो, तो अल्लाह पाक इसके तुफैल तुम्हें जन्नत अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर, क्या प्यारे अंदाज अता फरमाए। चुनांचे बेहतरीन बच्ची वो है जिसके अंदर हया का अंसुर हो। आजकल की औरतें काजल और मिर्ची लगाती हैं अपनी आंखों को खूबसूरत करने के लिए, सुरमा और काजल लगाती हैं अपनी आंखों को खूबसूरत करने के लिए। शरीयत कहती है कि आंखें खूबसूरत वो नहीं हैं जिसमें काजल और सुरमा लगा हो, बल्कि आंखें खूबसूरत वो हैं जिसमें हया का सुरमा लगा हुआ हो, और सर खूबसूरत वो नहीं होता कि जिसमें तरह तरह के शैम्पू डालकर और कंडीशनर डालकर उनको चमकाया जाए, दमकाया जाए, बल्कि सर खूबसूरत वो लगता है जिस पे हया की चादर पड़ी हुई है, और कद ऊंचा वो नहीं हुआ करता जो ऊंची हिल वाली सैंडल पहनने से होता है, बल्कि कद ऊंचा वो होता है जो बुलंद अखलाक का हामिल हो। यह है इस्लाम की रोशन तालीमात। तो सबसे पहली चीज़ जो औरत का जेवर है वह है उसकी हया और शर्म। जिस बच्ची के अंदर हया और शर्म होगी उसका, वो हया और शर्म उसका खुद प्रोटेक्शन करेगी, उसकी हिफाजत करेगी। तो हया औरत ज़ात के लिए, लड़की के लिए, ये तो बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह है। अगर इसको पहन ले तो क्या मजाल के कोई इसको टच करे, क्या मजाल है कि इसको कोई मस करे। तो हया का अंसुर ये औरत ज़ात के लिए हिफाजत का ज़ामिन है। आज पूरी दुनिया और पूरी दुनिया ये कुफ्र और शिर्क वो हया को ख़त्म करना चाह रही, बल्कि आजकल नौजवान बच्चों में एक जुमला चल रहा है कि हया तो शर्म है, वो शर्म और हया जो है तो बीमारी है, शर्म और हया को बीमारी कहते हैं। और जो जितना बेहया होगा, लड़की जो जितनी बेहया होगी जी, बहुत से नौजवान वो मीडिया का माइक लेके पहुंच जाते हैं और लड़कियों से पूछते हैं कि पाजामे के नीचे क्या है, और वो हंस हंस के जवाब दे रही है, और उसका बाप भी सुन रहा है, भाई भी सुन रहा है, माँ भी सुन रही है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है कि ये क्या सवाल किया जा रहा है और जवाब क्या दिया जा रहा है। इस्लाम ने हया को इज्जत का मकाम दिया, ये ईमान का एक हिस्सा है। अल हया शोबतु मिन अल ईमान, हया तो ईमान का शोबा है। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपनी हिफाजत के लिए मदीन चले गए, हिजरत करके निकल गए यहाँ से। जब मदीन पहुँचे तो देखा कि कुछ औरतें, कुछ लड़कियाँ, कुछ लड़के, कुछ मर्द वो एक कुएं के पास जमा हैं ऊँट लेकर, बकरियाँ लेकर। उसमें से दो बहनें हैं जो शर्म और हया की चादर में लिपटी हुई एक तरफ को खड़ी हुई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और जाकर पूछा कि क्या बात है, क्या मामला है आपका। कहा कि ये मर्द हजरात हैं, ये पानी पिला रहे हैं अपनी बकरियों को और ऊँटों को, जब ये पिला कर फारिग हो जाएंगे उसके बाद हम पिलाएंगे। तो कहा इसके अलावा भी और भी कोई कुआं है। कि हाँ, थोड़े फासले पर एक कुआं है जिसके ऊपर एक भारी भरकम ढक्कन रखा हुआ है, उस अगर उसको हटा दिया, उसको कई मर्द मिलकर हटाते हैं, तो वहाँ से भी पानी हासिल किया जा सकता। कि चलो, चुनांचे गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मसल पावर भी बड़ी ज़बरदस्त दी थी, तने तनहा उस ढक्कन को उठा के एक तरफ डाल दिया और कहा पानी पिलाओ।
चलो उनसे पानी पिलाया। अब ये बच्चियां घर पे जल्दी पहुंच गई। जब जल्दी पहुंच गई तो इनके वालिद साहब ने पूछा कि बेटे बच्चियों आज तुम जल्दी आ गई वक्त से पहले। तो कहा आज ऐसा ऐसा मामला पेश आया और अब्बू ऐसे नौजवान को तो कुछ हमें बदला देना चाहिए। तो कहा जाओ उनको बुला के लाओ। चुनांचे उनमें से एक आई उनको बुलाने के लिए तो वो किस अंदाज से चल कर आई, कुरान पाक ने इसको बयान किया, फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। उनमें से थोड़ी देर के बाद उन दोनों में से एक आई उनके पास चलती हुई शर्म हया के साथ, यानी चादर में लिपटी हुई सिमटी सिमटी वो शर्म हया के साथ चाल चल के चल कर आई। तो शर्म हया को मेंशन किया, शर्म हया के साथ आई। और किताबों में लिखा है कि उन्होंने कहकर कहा हमारे अब्बू आपको बुला रहे हैं। तो इनको एहसास हुआ कि वालिद साहब इनका मुझे कुछ अजर देना चाहते हैं, तो फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, मेरे प्यारे अल्लाह आप जो भी कुछ मुझे अता फरमाएं मैं उसका फ़कीर हूँ मोहताज हूँ। अब जब चले तो होना तो ये चाहिए कि वो रहबर बनकर आई थी, वो आगे चलती ये पीछे चलते, लेकिन उन्होंने कहा आप आगे चलें ताकि बॉडी लैंग्वेज भी इनकी समझ में ना आए, बॉडी फिगर भी इनकी आंखों में ना आए। कहा मैं पीछे चलती हूँ आप आगे चलें, और हाथ में कुछ कंकर पत्थर ले लिए, और जब राइट और लेफ्ट की तरफ इशारा करती तो उधर को एक कंकर डाल देती कि इधर को मुड़ जाओ इधर को मुड़ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। खैर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गए, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों में से एक बेटी से इनका निकाह कर दिया, इनसे निकाह कर दिया, और एक लंबी मुद्दत ये वहाँ रहे। उसके बाद जब वापस चले मिस्र की सरजमीन पर वापस आए तो एक मकाम आया जहाँ इनकी बीवी हामिला थी, वो सख्त ठंडी लग रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहीं चिंगारी देखी तो फौरन कहा कि मैं जाता हूँ, लगता ये है कि वहाँ कोई काफिला है या कोई ठहरा हुआ है, आग जलाए हुए हैं, या तो उससे आग ले लूँगा या उससे आग का पता मालूम कर लूँगा। चुनान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए, वहाँ से आवाज़ आई ए मूसा आप अपने जूतों को निकाल दो, आप वादी मुक़दस तुवा में हैं। मैं मिस्र गया हूँ और उस मकाम को देखा है जहाँ वो दरख्त है, उसका नाम शजर तजल्ली है और इंग्लिश में उसको बर्निंग बुश कहते हैं, बर्निंग बुश शजर तजल्ली कहते हैं, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है, और जब ये ऊपर का हिस्सा मर जाता है तो इसी की जड़ों से दूसरा तैयार होता है। तो देखिए एक औरत ज़ात को राहत देने के लिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आग ढूंढते फिर रहे हैं, वक्त के नबी हैं, आग ढूंढते फिर रहे हैं, और आग तो मिली ना मिली लेकिन नबूवत ज़रूर मिल गई। तो बीवी की खिदमत करने पर तो अल्लाह पाक ऐसा अजर देते हैं। आज नौजवानों का हाल ये है कि बीवी की खिदमत को जो है जन मुरीद ही समझते हैं और बीवी का ग़ुलाम समझते हैं, गलत बात है दोस्त। तो एक पॉइंट जो बहुत अहम है औरत ज़ात के अंदर खूबी का, वो ये है कि वो शर्म हया की पैकर हो, अपना लिबास अपनी चाल चलन सारी की सारी चीज़ें हया से मुतालिक होनी चाहिए। लिहाजा अगर कोई लड़की ऐसा जेवर पहनती है जो बजने वाला है, यह अलामत है इस बात की कि इसके अंदर हया ख़त्म हो चुकी है। अगर हया होती तो अपने पैरों की पाजेब की पायल की आवाज़ और झनकार हरगिज़ किसी के कान में न पड़ने देती। इसी तरह अगर कोई लड़की बॉडी शेप लिबास पहनती है, यह अलामत है इस बात की इसकी हया ख़त्म हो रही, इसलिए कि औरत ज़ात तो अपने बदन को छुपाती है, और बॉडी शेप लिबास में बदन छुपता नहीं है, फिगर उठ के आते हैं कि सीना कैसा है, पुश्त कैसी है, कमर कैसी है जी। इसी तरह नेट वाला लिबास अगर कोई पहन रही है, उसको लाइक कर रही है, पसंद कर रही है, इसका मतलब ये कि हया ख़त्म हो चुकी है, तो ये तो बदन का इजहार करना चाहती है। और जो औरत अपने घर से बेपर्दा होकर घर से बाहर निकले, जब तक वापस न लौटे, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। अब बताइए औरतों के अंदर जो है उनकी सेहत और उनके दिल में खुशियाँ कहाँ से आएंगी जब वो अल्लाह के फरिश्तों की लानत खाए हुए हैं। तो हया इंतहाई अहम अंसर है। नीज बचपन ही से बच्चियों के अंदर नेकी का शौक़ पैदा करना चाहिए, नेकी का शौक़। मसलन दाएं हाथ से खाने का आदि बनाएं, उनके नाखून काटने का आदि उनको बनाएं जी, दायां कदम दायां पैर दायां हाथ आगे नेक काम में बढ़ाने की उनको आदत बनाएं, टॉयलेट बाथरूम में जाएं तो बायां कदम आगे बढ़ाएं, निकले तो दायां बाहर निकालें, दुआ का अहतमाम करें, खाने से पहले हाथ धोने का अहतमाम करें, जब खाने बैठे तो ख्याल रखें ये लुकमा छोटा बना रही है या बड़ा बना रही है, ताकि उनके अंदर अदब एहतराम आए। कई मतलब बच्ची बड़ा बड़ा लुकमा बनाकर और एक गाल में एक तरफ दाखिल करती हैं तो सबको महसूस होता है कि इसको कभी खाना ज़िंदगी में मिला कि नहीं, कि आज पहली मरतबा खा रही, और इसका इशारा फिर माँ बाप के माँ बाप ने कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया।
इसलिए आज कहा करता है अपने घरों के अंदर दस्तरखान इज्तिमाई लगाओ, उस पर बच्चे बच्चियाँ सब बैठें, ताकि माँ बाप कड़ी नज़र रखें बच्चे सामने से खाते हैं या किसी के सामने से हाथ चलाते हैं। इसी तरह होंठ बंद करके खाते हैं या मुँह खोल के खाते हैं, आवाज़ करके खा रहे हैं या साइलेंट मूड में खाते हैं, ये उसी वक्त तो पता चलेगा जब बच्चे सामने बैठें, उनके नाखून कैसे हैं, हर चीज़ पर नज़र रखें। तो बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर ख़ास तौर से नेकी का जज्बा पैदा करना चाहिए, नीज खिदमत का जज्बा पैदा करें। आम तौर पर देखा जा रहा है आजकल स्कूल कॉलेज इसका दौर चल रहा है, तो जो बच्चियाँ स्कूल कॉलेज जाती हैं तो माँ बाप समझती हैं कि इनको, माँ बाप ये समझते हैं कि इनको किचन में डालना और किचन के कामों में लगाना, ये गोया इनकी तालीम के अंदर हर्ज पैदा करना है। हालांकि बिल्कुल गलत बात, क्या 24 घंटे वो किताबों पर पढ़ी रहती है, 24 घंटे वो होमवर्क करती है? नहीं, जो बच्ची बचपन से माँ के साथ में किचन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहेगी, उसके हाथ की बनी हुई जो सब्ज़ी होगी, तरकारी होगी, रोटी होगी, उसमें लज्जत होगी। जो बच्ची बड़ी उम्र के बाद खाना बनाना सीखती है उसका वो लुत्फ़ नहीं होता, बचपन से उसका आदि बनाया जाए। और इनको कहा जाए बेटा माँ बाप की खिदमत करना, उनको राहत पहुँचाना ये इबादत है, अल्लाह इससे खुश होते हैं, ताकि उस बच्ची को ये जज्बा पैदा हो मैं जो ये खिदमत कर रही हूँ ये कोई मेरे ऊपर जुल्म नहीं हो रहा बल्कि मुझे सिखाया जा रहा है, और रिप्लाई में इसके माँ बाप की तरफ से मुझे दुआएँ मिल रही। तो उसके अंदर खिदमत का जज्बा होना चाहिए। नीज बच्ची के अंदर इस्तेकामत का जज्बा पैदा किया जाए, डट जाने का, यानी इसका मतलब ज़िद ना सिखाए बल्कि नेकी पे डट जाने का। सब्र का मामला है, सब्र करें जी, नेकी का काम करने करके रहें जी, टारगेट बना लें कि नहीं इतना तो मुझे कुरान पढ़ना ही पढ़ना है, इतनी तो तिलावत मुझे करनी ही करनी है, इतना जिक्र तो मुझे करना ही करना है, और इतने मिस्कीनों को, गरीबों को तो मुझे ये चीज़ पहुँचानी। इस्तेकामत का जज्बा हो उसके अंदर, इसलिए बचपन से छोटे छोटे बच्चों के ज़रिए से कुछ हदिया भिजवाओ किसी के यहाँ, फ़कीर आए तो उसको फ़कीर को दिलाओ, ताकि इनके अंदर से माल की मोहब्बत निकले और ख़र्च करने का मिजाज बने। आमतौर पर छोटे छोटे बच्चे अपने टॉयज़ से मोहब्बत करते हैं, और वो नोट जमा करने का गल्ला दे दिया जाता है उससे मोहब्बत करते हैं, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ ये जो छोटे छोटे बच्चों के नोट आते हैं ना खेलने के, 500 का नोट, 1000 का नोट जी, और 100 का नोट, 200 का नोट, बहुत खूबसूरत खूबसूरत उसके पीस होते, खेल मत दो, इससे माल की मोहब्बत बच्चों के अंदर आएगी, माल की मोहब्बत आएगी। कहीं अगर इनसे खेलना शुरू किया तो जुआ खेलने के आदि बन जाएंगे, ऐसी चीज़ हरगिज़ मत दो, बचपन से ही मत दो। और बच्चों के अंदर माल की मोहब्बत को निकालो, बेटा देखो फ़कीर आए ना, जाओ उनकी दुआ मिलेगी उनको दे कर आओ, और दाएँ हाथ से देना, सलाम करना मुसलमान है तो, बड़ों की खिदमत कराओ, कोई चीज़ लाए हैं उनके हाथ से तकसीम करवाओ, ताकि उनके अंदर से मोहब्बत निकले, वरना वो उसी पे कब्ज़ा करके रखेंगे। नीज जुहद फी दुनिया, बच्चों के अंदर इस बात को पैदा करो, बच्चियों के अंदर ख़ास तौर से, कि वो दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में ना बसाएं। आजकल औरतें ज्वेलरी से मोहब्बत करती हैं, गाड़ी घोड़े से मोहब्बत करती हैं, अपने बेडरूम से मोहब्बत करती हैं, अपने सोफे से मोहब्बत करती हैं, बर्तनों से मोहब्बत करती हैं, तो ये सब चीज़ें जुहद फी दुनिया के ख़िलाफ़ हैं। उनके अंदर ये चीज़ पैदा होनी चाहिए कि जुहद फी दुनिया, दुनिया की मोहब्बत दिल में ना हो। दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया की नेमतों की बहुत सब ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि दरिया के अंदर कश्ती को पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी नहीं होगा तो कश्ती नहीं चलेगी, लेकिन ये बताओ कि पानी कश्ती के नीचे होना चाहिए या अंदर होना चाहिए? अंदर होगा तो कश्ती डूब जाएगी, बाहर होगा तो कश्ती चलेगी। दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया की नेमतों की ज़रूरत है, लेकिन दिल के अंदर नहीं, दिल के बाहर। इसी तरह बच्चियों के अंदर बेहतरीन सोहबत, अच्छों की मुलाकात, अच्छों की बातों को सुनने का मिजाज पैदा किया जाए। अहरे गहरे के साथ में ऐसी सोहबत, जिनकी नज़रें ख़राब होती हैं, जिनकी सोहबत ख़राब होती है, उनके साथ उनको बैठने मत दो, वरना न जाने क्या क्या सीखेंगे। बहरहाल ये चंद बातें थीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो प्यारा बच्चा इस वक्त बैठा हुआ है, अल्लाह ताला इसके निकाह को बहुत बाबरकत बनाए, और जिस बच्ची का निकाह होने जा रहा है अल्लाह ताला उस किस्मत को सुहाना कर दे, अल्लाह ताला इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा दे, इस निकाह को नेक नस्ल इंसानी की अफजाइश का ज़रिया बनाए, दोनों ख़ानदानों के अंदर मेल मोहब्बत का अल्लाह ताला इसको ज़रिया बनाए। और आखिर में एक बात बहुत ही अहमियत के साथ ये आजिज़ कहना चाहता है, ये बयान मैंने कश्मीर में इस तरह का किया था कि अगर रुख्सती फ़ौरन ना हो निकाह के बाद, बल्कि महीने, दो महीने, साल, छः महीने का वक्त हो, किसी हिकमत की वजह से कि बाहर की कोई फैमिली आने वाली है, गैदरिंग है, कोई भी मसलियत हो, तो दरख्वास्त यह है कि बच्चा अपनी होने वाली मनकुहा से फ़ोन पर रब्ता ना करे।
फ़ोन पे बातें ना करें, ताकि जिस दिन रुख्सत हो, रुख्सत होने की पहले दिन की पूरी पूरी बरकत और मोहब्बत मिल सके। वरना होता क्या है, फ़ोन पे ही नए पुराने हो जाते, लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, बातचीत भी बंद हो जाती। एक नौजवान बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया, हज़रत मैं बहुत परेशानी में हूँ, ख़ास दुआ कर दी। मैं, क्या परेशानी है? मेरा निकाह हुआ था और बीवी मुझसे तलाक मांग रही है। मैंने कहा, अरे ऐसा कैसे? कि हज़रत निकाह तो हो गया था और रुख्सती 2 साल के बाद तय थी कि लंदन अमेरिका से कुछ रिश्तेदार आने वाले थे। मैंने फ़ोन पर उससे बात करनी शुरू की, तो एक मतलब मैंने उससे कोई बात कही, उसने मना किया। मैंने कहा कि अगर तू मना करे तो मैं तुझे तलाक दे दूँगा। तो इस पर गुस्सा हो गई कि अभी तो रुख्सती भी नहीं हुई, अभी तो एक दिन और रात भी नहीं गुजरी और अभी से मुझे तलाक की धमकी मिल रही है, तो ये बंदा काबिल एतबार नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है। तो वो इस पर अड़ गई। अब मैं समझ सकता हूँ उसने क्या कहा होगा और किस चीज़ को उसने मना किया होगा। नौजवान बच्चे जज्बात में होते हैं, वो तो कई मरतबा फ़ोन पर कपड़े उतरवा के देखना चाहते हैं। अब जो बच्ची बाहया है, बाशरम है, अभी उसकी रुख्सती नहीं हुई, वो भला ये काम कैसे कर देगी? उसके अंदर इतनी जुरत कहाँ है? और होनी भी नहीं चाहिए। ये फ़ोन हमारा थोड़ी है, ये तो अग्यार का कंट्रोल है। इस पर हम जो फ़ोटो किसी को भेज रहे हैं, वो हमसे पहले तो किसी और की मिल्कियत बन रहे हैं। तो ऐसा ही कोई मुतालबा किया होगा जिसको उसने मना किया, इस पर ये गुस्सा हुआ, इसने ये जो है धमकी दे डाली कि मैं तुझे तलाक दे दूँगा। तो हरगिज़ ऐसी बात ना करें। यहाँ तक कि निकाह तो बाद की बात है, मंगनी होने के बाद ही फ़ोन पे बातें शुरू हो जाती है, इंतहाई गलत बात। यह हराम है, हराम है और हराम है। इसलिए कि जब निकाह में नहीं आई तो बात करना उससे जायज़ नहीं। लेकिन आजकल ख़ास तौर से मालदारों में ये फैशन बन चुका है, फ़ोन बाकायदा शेयर किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, और बच्चियों को तन्हाई में बैठने का घर के अंदर मौका दिया जाता है, वो घंटों घंटों बैठते हैं। हाय हाय, क्या शरीयत का जनाजा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ज़रिए से हाथों से निकल रहा है। दोस्तों, ये गलत बात। तो मैंने जब कश्मीर में ये बात कही, अच्छा इसी तरह एक बहुत अहम बात और है, लड़का लड़की जब तन्हाई की मुलाकात करें तो लड़के को ये हक नहीं है कि वो लड़की से ये बात पूछे कि तेरा बचपन में या जवानी में या स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में किसी से अफेयर चलता था। उसको हक नहीं है। याद रखना, इस ज़माने में कोई लड़का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा अफीफ और पाक दामन नहीं, और कोई लड़की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जैसी अफीफा और पाक दामन नहीं। हर एक के सगीरा कबीरा गुनाह है, लेकिन अल्लाह ने सब पे चादर डाली है। जब अल्लाह ने चादर डाली है तो इंसानों को क्या हक है कि अल्लाह की चादर को उठा कर देखा जाए? हर किसी ने। और ये कोई हक नहीं है शोहर को इस बात का कि उसके पास्ट को खंगाले, उसके माजी को खंगाले, कोई हक नहीं है। चुनांचे जब मैंने कश्मीर में ये बात कही तो एक मुफ्ती थे, उन्होंने कहा, मौलाना हज़रत आपने बहुत प्यारी बात कही। मैंने कहा, क्या क्या आपको इसमें प्यारा लगा कि ये जो बात आखिर में कही कि शोहर को हक नहीं है कि वो किसी का माजी खंगाले? कहे एक शोहर ने, यही चंद दिनों का वाकया है, कि एक शोहर ने अपनी बीवी को कहा, प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था क्या, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा मेरा किसके साथ। अब लड़की बेचारी भोली भाली थी, उसने कहा कि मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ती थी, एक लड़के ने मेरे हाथ का बोसा ले लिया, उसी वक्त 3 तलाक दे दी। मुझे गैरत आ गई। अब बेवकूफ़ के बच्चे, जब तुझे गैरत आई तो ये गैरत का काम छेड़ने की ज़रूरत क्या थी? इसलिए हरगिज़ हरगिज़ ऐसी कच्ची बात, ऐसी बेहुदा बात नहीं करनी चाहिए, तेरा किसी से अफेयर था, ये था वो था। और बच्चियों से भी मैं कहता हूँ, अल्लाह करे ये आवाज़ औरतों में जा रही हो, बच्चियों से भी कहता हूँ, अपने घर से फ़ोन लेके ना जाए, अपने घर से फ़ोन लेके। और आइंदा जब भी कभी बात करनी हो अपने घर वालों से, अपने शोहर के सामने बैठ के करो। शोहर की मौजूदगी में कोना पकड़ के मत करो, वरना उसके दिल में ये शक पैदा करेगा कि ये मेरी मौजूदगी में कोना पकड़ के बात कर रही है, तो इसका मतलब ये इसे इसका किसी से खुफिया ताल्लुक है। जो बात करनी हो शोहर के सामने बैठ के करें, अम्मी से करनी, अब्बू से करनी, भाई बहन से करनी। और जितनी सहेलियाँ थीं सबको अलविदा कर दो। जब माँ बाप को अलविदा कर दिया तो सहेलियों को क्यों अलविदा नहीं कर रहे? कह दो, बहन मुबारक, बहुत अच्छा निकाह हो गया, अल्लाह आपको ही मुबारक करे, और अब जो है मैं आपसे कोई रابطہ फ़ोन नहीं करूँगा। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो आपकी आपके साथ बात करने से मेरे शोहर को कोई शक हो, या आपका कोई मैसेज इस तरह का आए कि वो पढ़ ले, उसको शक हो, और खामखा दिल मैला हो, अब मेरी ज़िंदगी बहुत कीमती हो गई है और बहुत नाजुक हो गई है, लिहाजा आपके लिए मैं दुआ करती हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में मौका देंगे तो घर आना, वहाँ मुलाकात करेंगे। फ़ोन पर रابطہ नहीं। भाई जब ये फ़ोन जैसी बला नहीं थी तब भी तो ज़िंदगी गुजर रही थी ना, तब भी गुजर सकती।
बहरहाल ये चंद बातें बहुत ज़रूरी थी जिसको इस साजिद ने मुनासिब समझा। अल्लाह ताला इस सबक को मुझे भी समझने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर से मैं इन घर वालों को, फैमिलीज़ वालों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस निकाह में ढेर सारी बरकतें मुकद्दर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।